लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, मैं आपका फेवरेट डॉक्टर अमन सैगल स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल पे और गुरु नानक एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक बहुत ही प्यारे टॉपिक का लेक्चर है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की पहली यूनिट है और उस पहली यूनिट के अंदर पढ़े जाने वाले बहुत सारे टॉपिक्स के ऑलरेडी मैं वीडियो लेक्चर्स आपको दे चुका हूं। बिल्कुल सही, यानी अगर कायदे से मैं काउंटिंग करके बताऊं ना तो ये वीडियो लेक्चर पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां नहीं है, नौवां नहीं है, दसवां नहीं है, ग्यारहवां नहीं है, बारहवां। सही सुना आपने, यानी इससे पहले सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाने के 11 लेक्चर आ चुके हैं। बिल्कुल बच्चों, अगर आप में से किसी बच्चे ने आज से पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सभी लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। मेरी आपको सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले अपने बेसिक्स को पक्का करना ना भूले, क्योंकि ये कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर है। जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ने मेरा कैपेसिटेंस का वीडियो लेक्चर देखा है उनको बखूबी ये बात पता होगी कि मैंने उस वीडियो लेक्चर में कैपेसिटेंस के टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है और लास्ट के कुछ मिनट्स में मैंने वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा और कैपेसिटेंस के टॉपिक को खत्म कराऊंगा। तो कैपेसिटेंस के टॉपिक को खत्म कराने का आज का वीडियो लेक्चर यही है। तो इससे पहले कि मैं आज के वीडियो लेक्चर की बातें आपको बताऊं, एक बार मैं चाहूंगा कि आपको पता हो कि पुरानी बातें क्या है। सो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड एज कैपेसिटर। जिस तरह से फिजिक्स में रेजिस्टर नाम का एक डिवाइस होता है, ठीक उसी तरह फिजिक्स में कैपेसिटर नाम का भी एक डिवाइस होता है। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में तीन डिवाइस का जिक्र किया है जिनके नाम और जिनका काम एक दूसरे से काफी मिलता जुलता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस और इंडक्टर की प्रॉपर्टी इंडक्टेंस। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए बाय डी और इंडक्टर की इंडक्टेंस का फॉर्मूला आने वाले भविष्य में जो फिजिक्स की यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी उनमें आप बखूबी जानोगे। फिलहाल के लिए आपको यह पता लग चुका है कि कैपेसिटर क्या होता है, आपको यह पता लग चुका है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको यह पता लग चुका है कि कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कैसे होती है। आज का जो ये लेक्चर है दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्टरी लेक्चर कह लीजिए या कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर कह लीजिए, इंट्रोडक्टरी ऑफ अ न्यू टॉपिक बट अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ ऑलरेडी गोइंग ऑन टॉपिक, यानी कैपेसिटेंस के टॉपिक का हम आज जो हिस्सा करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बिल्कुल सही, ये सीरीज और पैरेलल का शब्द आपने पहले भी सुना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डेरिवेशन नहीं कराई है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, द डेरिवेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, द डेरिवेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, और आने वाले कुछ और टॉपिक्स का जिक्र इस वीडियो लेक्चर में जरूर करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक, हमारे आज के टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आई रिपीट माय सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आई रिपीट माय सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा जिसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये होता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये होता क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन क्लास 10th। मतलब आप क्लास 10th में रेजिस्टर्स का सीरीज और रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़कर आए हो। जो आपने क्लास 10th में रेजिस्टर्स का सीरीज और रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक वैसे ही किसी भी सर्किट में कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं, समझते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन,
सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन आपको दिमाग में आनी चाहिए, इसे देख लीजिएगा। सो लेट अस से कि हमारे पास ये पहला कैपेसिटर है, लेट अस से कि हमारे पास ये दूसरा कैपेसिटर है, लेट अस से कि हमारे पास ये तीसरा कैपेसिटर है, और तीनों कैपेसिटर को मैंने एक सेल या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सच दैट कि बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला कुछ करंट है चार्ज क्यू। हम यहां पे चार्ज की बात करते हैं, करंट की बात नहीं करते, लेकिन करंट बिना चार्ज के भी नहीं आएगा। लेकिन रेजिस्टर्स के केस में हम लोग ये कहते थे कि लेट आई बी द करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी, कैपेसिटर के केस में हम कहेंगे लेट क्यू बी द चार्ज सप्लाई टू ईच कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज ही है जो डेवलप होगा। तो अगर कैपेसिटर की इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बाय इंडक्शन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, बाय इंडक्शन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बाय इंडक्शन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और हर एक कैपेसिटर की अपनी इंडिविजुअल वोल्टेज होगी। तो इस कैपेसिटर की अपनी वोल्टेज होगी V1, इस कैपेसिटर की अपनी वोल्टेज होगी V2, इस कैपेसिटर की अपनी वोल्टेज होगी V3, और सोर्स वोल्टेज हम मान लेते हैं कुछ है Vnet, सोर्स वोल्टेज हम मान लेते हैं कुछ है Vnet। तो इस V से चार्ज Q सबको सप्लाई हुआ, यानी इस कैपेसिटर को भी चार्ज Q मिला, इस कैपेसिटर को भी चार्ज क्यू मिला, इस कैपेसिटर को भी चार्ज क्यू मिला, इस कैपेसिटर को भी चार्ज क्यू मिला। तो एक बात का ध्यान रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर को इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होता है। एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। हर कैपेसिटर की वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि हर कैपेसिटर की वोल्टेज डिफरेंट होती है। Therefore, we may write, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नेट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, वोल्टेज ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड वोल्टेज ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। बट हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हैं, अरे वही तो बता रहा हूं, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है और V इज इक्वल टू Q बाय सी होता है। तो V नेट की जगह हम लिख सकते हैं Q नेट डिवाइड बाय C नेट इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। मैं कहता हूं पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, मन में आए कोई सवाल तो पूछ लो। ये जो Q नेट है, ये Q नेट वही है जो इस बैटरी से सप्लाई हुआ, वही सबको मिला। तो Q नेट Q के ही बराबर है, तो Q के नीचे आ गया सी सीरीज इज इक्वल टू क्यू, बाहर निकाला ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ब्रैकेट क्लोज, Q से Q कैंसिल हुआ, देख लो मैं तो कहता हूं देख लो। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड पे है मैंने किया, मैं आपके लिए हूं आगे से हट गया, जो बोर्ड पे है मैंने किया, मैं आपके लिए हूं आगे से हट गया, ताकि आपको समझ आए कि मैंने है बोर्ड पे क्या किया। मैंने बोर्ड पे आपके सामने साफ साफ आपको डेरिवेशन करके दिखा दी सीरीज कॉम्बिनेशन की। इसको देखकर साफ पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालना इज वेरी आसान, डेरिवेशन मैंने करके दिखा दी है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर टीचर क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मैं कहता हूं कि पहले देख लो, फिर आए मन में कोई सवाल तो मुझे पूछ लो। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि चल क्या रहा है। ये डेरिवेशन
थ्री मार्क्स की, टू मार्क्स की एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या कराया गया। इसलिए मेरी सजेशन है कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको दिमाग में दो ही पॉइंट नोटिस करने हैं, दो ही पॉइंट। पहला पॉइंट कि सीरीज में, पहला पॉइंट सीरीज में हर कैपेसिटर को इक्वल चार्ज मिलता है, हर कैपेसिटर को इक्वल चार्ज मिलता है। बट सीरीज में हर कैपेसिटर का पोटेंशियल वैरी करता है, हर कैपेसिटर का पोटेंशियल वैरी करता है। ये दो पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। अगर इतनी चीज आपके दिमाग में बैठ गई है तो समझो आपको टॉपिक समझ आने लगा है। अब हम करने जा रहे हैं इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा जिसे कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए अपने लिए कुछ जगह बनाते हैं, जो अपने अब तक है लिखा है उसे मिटाते हैं और आपको कुछ नया करके दिखलाते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में 3 नंबर की आराम से पूछी जा सकती है, एक क्लास 12th के बच्चे को बखूबी आनी चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो कृपया करके लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके उनको क्लिक करें और उन डेरिवेशंस को पक्का करें। तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक कह लीजिए या इसी का कंटिन्यूड वर्जन कह लीजिए, हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस when capacitors are connected in parallel. Derivation of the total capacitance when capacitors are connected in parallel. आइए बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, हमेशा याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आई रिपीट माय सेंटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट होता है ऑन लेफ्ट साइड एंड हर कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट होता है ऑन राइट साइड। एक बच्चा बोला ये क्या कह रहा है मास्टर, आओ समझाते हैं क्या कह रहा है मास्टर। ये देखो, ये कैपेसिटर का पहला प्लेट, ये कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, ये दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, ये दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, तीसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, तीसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, इसको और इसको तीनों को एक साथ हमने कर दिया कनेक्ट, और ये पूरे को हमने कनेक्ट कर दिया सोर्स बैटरी से क्योंकि टर्मिनल दो ही हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी, साफ साफ दिख रहा है तो इसका मतलब सबका वोल्टेज वी होगा वही वोल्टेज जो इसका होगा। लेकिन अगर यहां से चार्ज क्यों निकलेगा तो यहां चार्ज Q1 जाएगा, यहां चार्ज Q2 जाएगा और यहां चार्ज Q3 जाएगा। Q2 लौट के आएगा, Q1 लौट के आएगा, Q3 लौट के आएगा और जब तीनों चार्ज लौट के आएंगे तो वापस हमें Q मिल जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस प्लेट पे नेगेटिव फील्ड इकट्ठी होगी, इस प्लेट पे नेगेटिव फील्ड इकट्ठी होगी। ये बेसिक ज्ञान आपको समझ आना चाहिए माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। अब याद रखें
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सोर्स बैटरी के द्वारा, आई रिपीट माय सेंटेंस, सोर्स बैटरी के द्वारा, सोर्स बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया चार्ज, सोर्स बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया चार्ज, सप्लाई किया गया चार्ज इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड एंड देयरफॉर, आई रिपीट माय सेंटेंस, इज डिवाइडेड एंड देयरफॉर Q net is equal to जो पहले को मिला, जो दूसरे को मिला और जो तीसरे को मिला। मैं कहता हूँ पहले देख लो, फिर मैं कहता हूँ कि भूल लो, आए मन में कोई सवाल तो मुझको पूछ लो। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो, हम जानते हैं कि Q is equal to CV होता है, all you can say, all you can say, all you can call, और कहना क्या, इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो Q net में लिखूंगा मैं C net multiplied by V net is equal to C1V plus C2V plus C3V। क्वेश्चन आता है मैंने V1, V2 और V3 क्यों नहीं लिखा, मैंने V1, V2 और V3 क्यों नहीं लिखा, याद रखिए हर कैपेसिटर का वोल्टेज सेम है, क्योंकि हर कैपेसिटर दो ही टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है, एक टर्मिनल A और एक टर्मिनल B, एक टर्मिनल A, एक टर्मिनल B। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक ज्ञान। तो यहां पे मैंने C net को लिख दिया, C parallel multiplied by V net, V के बराबर है, V is equal to V common निकाला, bracket में C1 plus C2 plus C3, और V से V cancel, तो therefore C parallel comes out to be C1 plus C2 plus C3। देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ कोई doubt है तो पूछ लीजिए, है मन में कोई सवाल तो बवाल मचा दीजिए। therefore पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्लास 12 के बच्चे, आप देख लो 3 मार्क्स की छोटी सी और प्यारी सी डेरिवेशन है जो आपको भली भांति आनी चाहिए, बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए। आपके सामने मैंने इतना कॉन्सेप्ट किया है, आपके सामने इतनी डेरिवेशन करी है, तो इतना ज्ञान आपके दिमाग में आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, इतनी जानकारी आपके दिमाग में आपको अच्छे से होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज यहां दी गई है, ये बेसिक नॉलेज आप अपने दिमाग में बिठानी है। तो इस समय आपकी नजरें होनी चाहिए बोर्ड पे, कान होने चाहिए मेरी आवाज पे, क्योंकि पीछे से मैं बोल रहा हूं और बोर्ड पे आप देख रहे हो, मैं सामने इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठा रहे हो, इसलिए आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए जो मैंने बोर्ड पे बताया है, जो मैंने बोर्ड पे बताया है, जो मैंने बोर्ड पे बताया है, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अब सवाल आता है, सर एक न्यूमेरिकल तो बनता है, एक न्यूमेरिकल तो बनता है, एक न्यूमेरिकल तो बनता है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं यहां पे, एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं यहां पे, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूलास को यूज कैसे किया गया, फॉर्मूलास को यूज कैसे किया गया, फॉर्मूलास को यूज कैसे किया गया। तो चलिए यहां पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, और मेरी आपको सजेशन रहेगी कि उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन जो मैं लिखूंगा उसको देखने से पहले आप वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल अपने आप करें। मेरी आपको सजेशन है कि जो न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करूंगा उसको देखने से पहले वीडियो पॉज करके आप ये न्यूमेरिकल अपने आप करें, तो आप फायदे में ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, साफ साफ शब्दों में कहता हूं न्यूमेरिकल, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, वन माइक्रोफेरेड कॉमा टू माइक्रोफेरेड एंड थ्री माइक्रोफेरेड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, देन कनेक्टेड एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सी एस एंड सी पी, सी एस एंड सी पी। भाई देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है हमारे पास तीन कैपेसिटर है, एक 1 माइक्रोफेरेड का, एक 2 माइक्रोफेरेड का, एक 3 माइक्रोफेरेड का, और तीनों को पहले सीरीज में लगाया, फिर उसको तीनों को पैरेलल में लगाया,
उसके बाद हमें रिश्ता निकालना है। आओ जी, कैसे किया होगा और क्या हुआ होगा? जब सीरीज में लगाया होगा तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये हमने लगा दी हमारी सोर्स बैटरी। सोर्स बैटरी लाइन कह लीजिए या सोर्स सेल कह लीजिए, साफ पता चल रहा है कि ये मेरा, इसको मिला होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको मिला होगा नेगेटिव चार्ज, इसको मिला होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको मिला होगा नेगेटिव चार्ज, इसको मिला होगा पॉजिटिव चार्ज, इसको मिला होगा नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है, दिख रहा है, ये बेसिक ज्ञान आपको दिखना चाहिए। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। तो हम कहेंगे टीचर टीचर देयरफॉर सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस हमें नहीं पता। आओ निकालें, 1 upon CS = 1 upon C1 + 1 upon C2 + 1 upon C3। तो 1 upon CS = 1 upon 1 + 1 upon 2 + 1 upon 3। तो 1 upon CS = LCM लिया 6, तो मेरे पास आया 1 × 6 + 1 × 3 + 1 × 2 1 upon CS = 6 + 3 + 2 / 6। सॉल्व करके अगर मैं बताऊं तो 1 upon CS comes out to be 6 × 7 = 11 / 11/6, तो CS comes out to be 6/11। पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, फिर मैं कहता हूं कि मन में आए कोई सवाल तो आप उससे पूछ लो। बेसिक है जो ज्ञान, ये आपको आना चाहिए समझ में। बेसिक है जो ज्ञान, ये आपको आना चाहिए समझ में। क्या कराया जा रहा है बोर्ड पे, ये आपको पल्ले पढ़ना चाहिए। अब हमने क्या करा, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। रिश्ता निकाल रहे ना भाई, रिश्ता निकाल रहे। तो पैरेलल में कनेक्ट करते समय पहला कैपेसिटर सर, दूसरा कैपेसिटर सर जी, दूसरे के बाद सर जी तीसरा कैपेसिटर, तीनों को किया मैंने कनेक्ट, सोर्स बैटरी ले ली। और यहां पे साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3। बाकी सब चीजें नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि यहां पे अगर चार्ज क्यू निकला था तो सबको बराबर चार्ज क्यू मिला था, यहां पे अगर चार्ज क्यू निकला तो इसको Q1 मिला, इसको Q2 मिला और इसको Q3 मिला। आओ जी हम यहां पे लिखेंगे नेट कैपेसिटेंस C1 = CP = C1 + C2 + C3 CP = 1 + 2 + 3 3 4 5 6 माइक्रोफैरड। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्वेश्चन ने मांगा रिश्ता, क्वेश्चन ने मांगा रिश्ता। तो CS / CP, व्हाट इज CS 6/11, व्हाट इज CP 6, तो 6/6 हमारे पास आ गया आपका, ये हमारे पास हो गया 11 × 6, तो कैंसल आ गया 1/11। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ C series upon C parallel comes out to be 1/11, और वी कैन से दैट सी सीरीज का 11 गुना इज सी पैरेलल, यानी पैरेलल का कैपेसिटेंस सीरीज के कैपेसिटेंस का 11 गुना, पैरेलल का कैपेसिटेंस सीरीज के कैपेसिटेंस का 11 गुना। मैं तो कहता हूं कि पहले देख लो, फिर आए मन में कोई सवाल तो मचा दो कक्षा में बवाल। माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, विद दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही हो जाती है समाप्ति, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही हो जाती है समाप्ति। अब हम करने जा रहे हैं कैपेसिटर के ही टॉपिक का अगला आरंभ, यानी अगले टॉपिक का आरंभ। इसमें अगला टॉपिक क्या है, जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक इसी पे बेस्ड है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है। लेकिन वो टॉपिक क्या है पहले सुन लीजिए, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कराने जा रहा हूं, तो ध्यान देंगे आप एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 जब ये टॉपिक सुनेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। एक बच्चा बोला ए मास्टर ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉमन पोटेंशियल। देखो भाई कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप भी एक कैपेसिटर हो और मैं भी एक कैपेसिटर हूं, आपका भी पोटेंशियल वही है जो मेरा है, ऐसा कब होता है?
आपका कैपेसिटेंस कुछ C1 है, मेरा कैपेसिटेंस कुछ C2 है, लेकिन फिर भी आपका वोल्टेज V है और मेरा वोल्टेज V है, ऐसा कब होता है? बिल्कुल सही, ऐसा तब होता है जब आपको और मुझको पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट करने पर दो कैपेसिटर्स का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल, उसी को कहा जाता है कॉमन पोटेंशियल। लेकिन ये बात क्या है, जरा ध्यान से सुनना, यहां पे सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स। मान लो कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 एंड हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2। मान लो कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, एक कैपेसिटर हमारे पास ये रहा, ये एक कैपेसिटर पहला वाला और ये कैपेसिटर दूसरा वाला। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, इस कैपेसिटर का चार्ज Q1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V2, इस कैपेसिटर का चार्ज Q2। अब दोनों कैपेसिटर बिल्कुल अलग है, तो इस कैपेसिटर में हम लिख सकते हैं कि इसका चार्ज Q1 is equal to C1 V1, और हम लिख सकते हैं इसका चार्ज Q2 is equal to C2 V2। जरा देख लो, पहले अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी मैं आपको टॉपिक ही समझा रहा हूं, लेकिन टॉपिक समझाते ही डेरिवेशन हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल अपने आप में एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल अपने आप में प्यारी सी डेरिवेशन है, जिसका आना जिसका पता होना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल जो बता रहा हूं, फिलहाल जो समझा रहा हूं, फिलहाल जो सिखा रहा हूं, फिलहाल जो लिखवा रहा हूं, उस पर दो पूरा ध्यान, ताकि ना होना पड़े कभी आपको परेशान। दो कैपेसिटर है, एक मान लेते हैं हमारे पास ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है भाई, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब दोनों को मैंने भी कनेक्ट नहीं किया, आप अच्छी तरह जानते हो कि जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, सीरीज में नहीं कह रहा मैं, ऐसा नहीं है कि सीरीज में नहीं कर सकते, हम पैरेलल में क्यों कर रहे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है कॉमन पोटेंशियल। पैरेलल में कनेक्ट करने पर उन दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, ये हम जानते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करने पर उनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। ये सिचुएशन है कनेक्शन से पहले, ये सिचुएशन है कनेक्शन से पहले, मैंने अभी कनेक्शन नहीं किया, ये सिचुएशन है कनेक्शन से पहले, यानी उनका कनेक्शन नहीं किया गया। आओ बात करते हैं कनेक्शन की, मैंने आपने लिखा लेट द टू कैपेसिटर्स मे नाउ बी कनेक्टेड विद ईच अदर in parallel combination, so that they may attain common potential, यानी उनका कुछ potential common हो जाए। एक बार देख लीजिए, जो board पे है लिखा उसे आप घूर लीजिए, ताकि मन में हो नहीं आपके कोई सवाल, फिर भी उठ जाए कोई सवाल तो मचा देना मेरे बच्चों बवाल। ये देखिए, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया सोर्स बैटरी से। लेट अस से कि जो चार्ज इसके पास था वो Q1 था, जो चार्ज इसके पास था वो Q2 था, और कोई चार्ज Q यहां से गया होगा। इसका जो कैपेसिटेंस था वो C1 था, इसका जो कैपेसिटेंस था वो C2 था, लेकिन क्योंकि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों इस पॉइंट के बीच में है, तो इनका पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल V। देयरफॉर इस वाले कैपेसिटर के लिए मैं लिख सकता हूं
Q1 is equal to C1B और इस वाले कैपेसिटर ले सकता हूं Q2 is equal to C2B. क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है. देख लो पहले, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क है. लेकिन फर्क तो है ना सर, क्या फर्क है वो तो बताओ. हां, क्या फर्क है मैं बिल्कुल बताऊंगा. वो छोटा सा फर्क क्या है जरा ध्यान से सुनो. फर्क ये है कि ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये भी चार्ज है Q1 और ये भी चार्ज है Q2. अब फर्क ये है कि जब पहले Q1 और Q2 की बात हो रही थी तो वोल्टेज अलग थी, अब Q1 और Q2 की बात हो रही है तो वोल्टेज अलग है. हम यहां पे लिखेंगे since combination के दौरान चार्जेस का लॉस नहीं होता. therefore total charge before sharing का मतलब before connection. भाई पहले इनके चार्ज की शेयरिंग नहीं हुई थी ना, जब कनेक्शन करते तो चार्ज बढ़ता है. तो total charge before sharing should be equal to total charge after sharing. तो मान लेते कि ये Q1 Q2 है, ये Q1 dash है और ये Q2 dash है. तो Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. ये Q1 और ये Q1 सेम हो जरूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होने के बाद कुछ तो चार्ज बटेगा ना. तो Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. यहां लिखा मैंने C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 V plus C2 V. देख लो, मैं तो कहता हूं भूल लो, कोई आए मन में सवाल तो मुझको पूछ लो. देख लीजिए, यहां से हमारे लिए V निकालना बहुत आसान है. Therefore we can say that V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 is the final expression of common potential. Is the final expression of common potential जो numerical में काम आएगा. Dear class 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ आना चाहिए. जो ये दिख रहा है, जो ये बताया जा रहा है, जो ये derivation यहाँ सिखाई गई है, ये आपके दिमाग में आपको बिठानी है. मैं तो कहता हूँ पूरी derivation पहले घूर लो, और अगर आ गई है ना समझ, तो सबसे बेस्ट पता है क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा अगर आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. लेकिन टीपना मत मेरे बच्चों, वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करने के बाद खुद से अटेम्प्ट करना. जब खुद से ना हो तब स्क्रीन पे दी गई सारी जानकारी को रेफर करना, उसके बाद भी नहीं समझ आए तब जाके आप सीधा मुझसे संपर्क करना और मुझे आप पूछना कि कैसे करनी है डेरिवेशन, अगर मेरे वीडियो में भी आपको नहीं आई समझ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मन में उठ रहा होगा आपके सवाल कि भैया अब करना क्या है. कुछ नहीं भाई, इसी से ताल्लुकात एक और छोटा सा टॉपिक है, इसी से ताल्लुकात एक और छोटी सी डेरिवेशन है जो अब आपको मैं कराने जा रहा हूं और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं. तो मैं आ गया हूं ठीक आपके सामने, बहुत मौका दे दिया आपको मैंने लिखने का. इसी से ताल्लुकात एक और डेरिवेशन, इसी से कनेक्शन बनाती हुई एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. बिल्कुल सही आपने सुना, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. बिल्कुल सही आपने सुना, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको भली भांति आनी चाहिए. ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक क्लास 12 के स्टूडेंट को भली भांति आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. या हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, यह हमारा अगला टॉपिक है. लेकिन पता है, एक बच्चा फट से बोला, सर जब आपने कॉमन पोटेंशियल कराया था तो आपने इसका मतलब समझाया था पहले कि कॉमन पोटेंशियल होता क्या है. अब जब आप एनर्जी की डेरिवेशन करा रहे हो तो कम से कम मतलब तो समझा दो कि एनर्जी कहां से आ रही है कैपेसिटर में. एक बात बताओ बच्चों, कैपेसिटर को जब सर्किट में लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है. अब जब कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो ऐसा करने के दौरान कुछ तो वर्क डन हो रहा होगा ना,
कोई जादू से तो चार्ज स्टोर नहीं होगा। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, वो भी पैरेलल प्लेट। एक प्लेट को हम पॉजिटिव फील्ड देते हैं और इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पे नेगेटिव फील्ड आती है। इसका मतलब कि पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अगर पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए चार्ज की मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज को प्लेट ए से प्लेट बी तक ले जाने के लिए कुछ वर्क डन हो रहा है। अब अगर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन कहीं जाए तो जा नहीं रहा होगा, वो वर्क डन स्टोर हो रहा होगा। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। उसी को हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये तो जो मैंने बताया ये वर्बली बताया, मुंह से बोला, आपने कान से सुना। अब सेम बात लिख के दिखाता हूं तो आप आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, और जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उस पर दोगे पूरा ध्यान, ताकि ना होना पड़े आपको परेशान। बिल्कुल सही। आओ बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा लेट अस कंसीडर, बहुत ध्यान से सुनना, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन बिलो, एज शोन बिलो, सच दैट प्लस क्यू इज द चार्ज, प्लस क्यू इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन प्लेट ए, present on plate A, which is considered to be at higher potential, which is considered, obviously बात है consider किया जाएगा, which is considered to be at higher potential, obviously बात है हम मान के चल रहे हैं कि जो plate A है वो higher potential पे है। अगर plate A higher potential पे है तो हम simple शब्दों में कह सकते हैं due to potential difference के कारण minus q charge will develop, due to potential difference minus q charge will develop on the plate B by the process of induction। अगर difference नहीं होता तो induction नहीं होती, और induction नहीं होती तो opposite charge नहीं आता, by the process of induction and this process may continue to happen as long as potential difference is maintained। सुनो ध्यान से, मान लीजिए कि ये मेरे पास पहली प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है। इस पूरी प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लेट पे आ गया नेगेटिव चार्ज। हम ऐसा भी कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है, दोनों तरीकों से बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्लेट पे मान लेते हैं पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया माइनस क्यू। अब यहां से जो ये चार्ज फ्लो करके यहां जा रहा है, यहां से जो ये चार्ज फ्लो करके यहां जा रहा है, इनफैक्ट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज उत्पन्न हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो हम यहां पे लिखेंगे let V be the potential difference at a particular instant। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लेट dq be the small amount of charge, let dq be the small amount of charge जो ट्रांसफर होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो भैया इस चार्ज को ट्रांसफर करने में कुछ तो काम होगा, तो लेट dw be the small amount of work done, let dw be the small amount of work done therefore dw is equal to vdq। अब ये dw is
इक्वल टू वी डी क्यू कहां से आया? आपको याद होगा क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाय Q. तो टीचर 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 W इज इक्वल टू V इंटू क्यू. या W बड़ा नहीं है या DW छोटा है, पोटेंशियल वही है और छोटा चार्ज DQ है. तो वही चीज यहां आई है. देख लो, मैं तो कहता हूं घूर लो, है मन में कोई सवाल तो पूछ लो. अगर DW इज इक्वल टू V DQ तो एक चीज और यहां लिख देता हूं जो आपके दिमाग में पता होनी चाहिए कि Q इज इक्वल टू CV होता है. तो देयरफॉर V इज इक्वल टू Q / C होगा. अगर V इज इक्वल टू Q / C होगा तो हम साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं टीचर 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 DW इज इक्वल टू Q / C DQ, Q / C DQ. अब ये छोटा वर्ब बने. अगर मुझे नेट वर्ब डन चाहिए तो नेट वर्ब डन के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट. हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वर्ब डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी डी क्यू के रिस्पेक्ट में फ्रॉम लिमिट क्यू इज इक्वल टू जीरो से लेके क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू तक. मतलब मान के चल रहे हैं कि कुछ ना चार्ज से कुछ चार्ज स्टोर हो रहा है. तो DW तो आ गया W और यहां पे आ गया 1/c भार, ब्रैकेट में आ गया q का पावर 1+1/1, कहां से लेके कहां तक? q इज इक्वल टू शून्य से लेके q इज इक्वल टू कैपिटल q तक. मैं कहता हूं पहले देख लो, फिर आए मन में कोई सवाल तो पूछ लो, फिर भी आए कोई सवाल तो दोबारा पूछ लो. q स्क्वायर बाय 2, q इज इक्वल टू 0 से लेके q इज इक्वल टू कैपिटल q तक, लिमिट पुट करने के बाद आया q स्क्वायर बाय 2c. पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, आए मन में कोई सवाल तो आप पूछ लो. आपको नजर आना चाहिए कि बोर्ड पे चल क्या रहा है, आपको नजर आना चाहिए कि भाई बताया क्या जा रहा है, आपको नजर आना चाहिए कि भाई बताया और समझाया क्या जा रहा है. दैट W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द फाइनल एक्सप्रेशन. अगर मैं यहां पे इसे मिटा के थोड़ी सी जगह बनाऊं, तो हमारे सामने फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? देखो क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इज पहला फॉर्मूला. W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c इज पहला फॉर्मूला जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है. अब मत भूलो कि क्यू सी भी होता है. अगर Q की वैल्यू यहां पुट करें तो W की जगह पहली बात को मैं हटा के सीधा लिख देता हूं U. क्या लिख देता हूं? U, क्योंकि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज वाई एनर्जी का पहला फॉर्मूला. अब एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला, Q की जगह CV, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर बाय 2C, कैंसल कैंसल, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज द दूसरा फॉर्मूला. इस दूसरा फॉर्मूला, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला है. जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा काम आएगा, पहला फॉर्मूला एंड दूसरा फॉर्मूला. हाफ सीवी स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. मैं कहता हूं कि देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, फिर मैं कहता हूं कि आए मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लो. हम और भी तरीकों से फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना पता हो तो काफी है. जहां पे Q मतलब चार्ज, जिसकी यूनिट कूलम, V मतलब वोल्टेज, जिसकी यूनिट वोल्ट, C मतलब कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट फैरेड, और U मतलब एनर्जी, जिसकी यूनिट जूल. डियर क्लास 12th के बच्चों, आपको ये चीज बखूबी पता होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, एग्जैक्टली इस वीडियो में क्या टॉपिक कराया गया है, इस वीडियो में क्या आपको समझाया जा रहा है. सो दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें और करना क्या है.
देखो करने को बहुत कुछ है जो अभी बचा है, लेकिन इस टॉपिक से ताल्लुकात एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराकर मैं आपके कॉन्सेप्ट को और पक्का करना चाहता हूं। तो चलिए डियर क्लास 12 के बच्चों, आपको सीधा एक न्यूमेरिकल कराया जाएगा और एक आपको न्यूमेरिकल करा के इस टॉपिक को खत्म किया जाएगा, और ये टॉपिक करते ही हमारा वीडियो लेक्चर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए एक आपको क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आया दैट फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 microfarad when charged to a voltage of 250 volt, यानी 250 वोल्ट तक इसे अगर चार्ज किया जाए तो एनर्जी क्या होगी? हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं अरे बखूबी जानते हैं क्या जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला ½CV2। तो एनर्जी अपनी जगह हाफ सी की जगह 5 microfarad इंटू 10^-6 और वी हमारे पास आ गया 250 × 250। तो U is equal to ½ × 5 × 625 × 100 × 10^-6 25 × 25 = 625 आया ना, इसलिए तो मैंने इसको ऐसा लिखा U is equal to 5 × 625 / 2 × 10^-6 देख लीजिए, घूर लीजिए, है मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। 625 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 125। तो ये हमारे पास आ गया U comes out to be 3125 divide by 2 multiplied by 10^-4। तो 2 × 1 = 2, 1 × 2 = 11, 5 × 10 = 12, 6 × 12 = 4, 5। ये देख लो, आंसर कम्स आउट टू बी 1562.5 मल्टीप्लाइड बाय 10^-4 जूल्स। मैं कहता हूं पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, फिर भी आए मन में कोई सवाल, तो पूछ लो, यानी उस हिसाब से अगर इसको और सिंपलीफाई किया जाए तो इट कम्स आउट टू बी 0.156 जूल्स। क्लास 12 के बच्चों देख लो, सवाल आता है सर ये तो एक ही न्यूमेरिकल है, ऐसे तो बहुत न्यूमेरिकल होंगे। बिल्कुल बच्चों, देखो कैपेसिटेंस के इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत में मैंने आपको सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन कराई, फिर आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल बताया, उसकी डेरिवेशन कराई, फिर आपको मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कराई। अब सवाल आता है सर क्या और टॉपिक नहीं बचा? अभी बहुत कुछ बचा है इसमें जो मैं आपको बता सकता हूं, और इतना बताने से कैपेसिटेंस अभी खत्म नहीं हुआ। बच्चों ये था लेक्चर नंबर 12, मैं लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 13, यानी 13th लेक्चर, जिसको करते ही हमें मौका मिल जाएगा वो चीजें आपको बताने का जो मैं इस लेक्चर में नहीं बता पाया हूं। तो टिल देन यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट इज नाउ अ क्राइम, और अगर आपको पाना है कामयाबी का टेस्ट तो मत करना अपना टाइम वेस्ट। मेरी आपसे है एक छोटी सी गुजारिश, दिल से निकल रही है ये सिफारिश कि चाहे आ जाए तूफान या हो जाए बारिश, मत करना अपना टाइम वेस्ट। आपको इस वीडियो में समझाई हुई सारी बातें अगर अच्छे से समझ आई तो ये वीडियो अपने तक सीमित मत रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं बहुत कम टीचर है ऐसे जो उस तरीके से बता रहे होंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, और ये तरीका सीबीएसई का सबसे बेस्ट तरीका है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करने का। इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है, सीखना है, परखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू वंस अगेन माय डियर क्लास 12 के बच्चों फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले लेक्चर के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, गुड बाय, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। खुद भी करो, अपने दोस्तों से भी करवाओ और वीडियो खुद भी देखो, उनको भी दिखाओ और इसे आग की तरह सब में फैलाओ। थैंक यू।